बताइएगा भाई, मैं दब के भाई देख लो तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई, बताओ क्या जब प्रिया मुझसे पहली बार मिलने आई थी ना। अरे भाई दो ही रात ऐसे पार्क में आ करके मेकअप करा है, ठीक है और लगा लो ना ऐसे नहीं जानो। अरे एक ऐसे लगा, आप अच्छा लगा लो ना, मेरा मेकअप खराब कर रहे हैं। देख सूट इसका है तो आप बताइए कैसा लग रहा है सूट में, और हेयर स्टाइल मैंने बिल्कुल उनके जैसा मतलब बनाया है, और इयर रिंग मैंने चेंज नहीं किया। कि आपको हमारा फर्स्ट लुक कैसा लगा साड़ी वाला अंकिता लोखंडे का, और सेकंड लुक फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग का आप लोग। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में कुछ खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहली बात तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए हमने अपना लोकेशन चेंज कर दिया है, हम आ कहाँ पे गए हैं, तारों के महल में, जन्नत में आ गए हैं, जन्नत में आ गए। तो फ्रेंड्स आपको बता दें आज की वीडियो में मैं अंकिता लोखंडे का लुक क्रिएट करने वाली हूँ, बट आज का बैकग्राउंड और जगह चेंज इसलिए है क्योंकि हम आज पार्क में आए हैं लुक क्रिएट करने के लिए, और हमेशा हमारा घर का वीडियो होता था, आप लोग बोर भी हो गए थे, तो इसके लिए मैं पार्क में आई हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ अलग था, और आज की वीडियो में जानू भी आने वाले हैं जिसे हम फ्रेंड्स मैं ट्राई करूँगा आऊँगा भी या नहीं भी मेरा कुछ भरोसा हाँ, नहीं है, मतलब जानू का भी रोल है इसमें। तो जैसे जैसे अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह का साथ में रोल था ना, मैं वो रोल करने वाली हूँ, और मैं मेकअप कैसे कैसे करूँगी अंकिता लोखंडे के जैसे सेम, वो फुल वीडियो आप लोग वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा कि मैं कैसे कैसे मेकअप करती हूँ। और ये येल्लो साड़ी में जो उनका लुक है मैं इसलिए येल्लो साड़ी पहनी, और बात रही ब्लाउज की तो आपको पता है फ्रेंड्स क्योंकि इस टाइम पे, और फ्रेंड्स आप लोग सोचो तो आज प्रिया मेकअप भी करने वाली है पार्क के अंदर ही, और पार्क में यहीं पे मैं मेकअप भी करूंगी और लुक भी सारा कुछ यहीं पे क्रिएट करके आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने तारों के महल में सीधा, और देखो देखिए हम अपना सारा सामान कहाँ पे लेके आए, इतना सारा मेकअप का सामान, इसमें भी मेकअप भरा हुआ है और सारा जितना मतलब मेकअप किट उट था सारा कुछ मैं लेके आई हूं। ये पहला ब्लॉग है और ये पहला कपल होंगे जैसे कि हम दोनों जो कि पार्क में आके आज आपको मेकअप करके दिखाएंगे और लुक दिखाएंगे अंकिता लोखंडे का। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी जो भी ज्वेलरी थी सारी शादी वाली वो सब लेके आई हूँ, और इसमें भी इयर रिंग है सारे, और इसमें सारा मेकअप है आपको दिखा देती हूँ, ये सारा मेकअप किट सारा कुछ। तो ये सारा हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे जैसे उन्होंने यूज़ किया है तो सारा अपने फेस पे यूज़ करेंगे जैसे रेडी होंगे। तो आज की वीडियो में तो इंटरेस्टिंग है, तो बहुत मज़ा आने वाला, आप देख रही हो मैं कैसे कैसे रेडी होती हूँ और कैसे कैसे आप लोग को लुक क्रिएट करके वो भी पार्क में दिखाती हूँ। थोड़ा अलग है ना, आप लोगों को भी लग रहा हो पार्क में लुक क्रिएट करने प्रिया पहुँच गई तो अलग है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए करूँगी। तो फ्रेंड्स इतना मेहनत के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। आपको प्रिया का मैं पूरा हूँ, ये देख लो पूरा लुक प्रिया का ये है। तो फ्रेंड देखिए टूटा हुआ शीशा, टूट गया तो मैं क्या करूँगी, मेरी आते आते नहीं, सच बताओ घर से टूटा हुआ लेकर के आई है, घर से ही घर में ही टूटा था मतलब। अच्छा तो फ्रेंड्स अब प्रिया यहाँ पूरी रेडी, पहले मैं अब क्या करूँगी जल्दी बताओ। पहले तो मैं अपने फेस पे जो भी हो ये मैं जो फाउंडेशन ले रखी हूँ मैं ये अप्लाई करूंगी, उसके बाद जो जो मैं लगाऊंगी वो आप लोग को दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए मैं कैसे कैसे अपना मेकअप करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा फाउंडेशन क्रीम जो कि मैंने अपने हैंड पे लगा लिया, और वैसे मैं इसे भी लगा सकती हूँ बट मुझे इसे अच्छा नहीं लगता, मैं अपने हैंड से ही लगाती हूँ, और ये हल्का सा पाउडर इसमें मिक्स करेंगे ताकि मेरे फेस में थोड़ा ज़्यादा ग्लो हो। तो फ्रेंड्स आप लोग बस देखते रहिए आज का ब्लॉग ना आपको सबसे बेस्ट लगा, और सभी इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, और प्रिया आपको इतना मेहनत करके दिखा रही है, आप लोग फ्रेंड्स लाइक नहीं करते हो। फ्रेंड देखिए ये हमने किया भी है, हमारी एक सिस्टर है, उन्होंने सिस्टर ने बोला हमें बहुत दिन कमेंट किया कि प्रिया दी आप ना कोई पार्क में जाकर वहाँ पे कोई किसी का लुक मतलब करके दिखाओ, तो सभी को मेरा ये अंकिता लोखंडे वाला लुक ज्यादा अच्छा बेटर लगता है, इसलिए मैंने ये वाला क्रिएट करना ज्यादा सही समझा। तो फ्रेंड देखिए मैं अपना जो भी क्रीम अप्लाई कर चुकी हूँ अपने फेस पे, हल्का सा और कुछ थोड़ा ये और भी लाइट आए, आम कहाँ से उठा के लेके आए ये बताओ पहले तो। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, आपको मैं दिखाऊँ पेड़ वो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंगो का पेड़ लगा हुआ है वहाँ पे गिरा हुआ था, अभी मैं उधर टहलने गया, मैं प्रिया को बड़ा सा एक आम ला कर रख दिया वहाँ पे देख लो जरा। और फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऐसे पार्क में कौन सा कपल है जो ऐसे पार्क में करके मेकअप करके आप लोग फ्रेंड दिखा सकते हैं। पहली बात तो अभी पार्क में कोई है नहीं, इसलिए थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल मतलब फील कर रही हूं। फ्रेंड्स क्यों नहीं है, वहाँ पे कपल बैठे हुए हैं, ठीक है मतलब बहुत से कपल और कपल उधर बैठे हुए हैं आपको वहाँ दिख रहा होगा, है मतलब बहुत सारे लोग नहीं, जैसे बहुत सारे हैं मतलब इतने ज्यादा नहीं है, तो सही है अच्छा है ज्यादा लोग नहीं है। तो भाई आज का वीडियो कुछ मस्त मजेदार होने वाला है, बस फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि जल्दी जल्दी से इस ब्लॉग को ना जल्दी जल्दी से देखते रहो, जल्दी से अपने फ्रेंड में वीडियो शेयर करते रहो। आपको ना लगाना पड़ेगा। क्या तो मैं लगा दूंगा अपना है एक भाई तो पहले कर देगा। अपने आईज पे आईलाइनर आई शैडो पहले मैं लगा लूँ, उसके बाद मैं फिर आपको बुलाऊंगी। ठीक है ठीक है। ये हमारा मेकअप तो फ्रेंड देख लीजिए, प्रिया का निकल गया मेकअप किट यहाँ पे। लेकिन मैं ये वाला नहीं लगाना चाह रही, मैं ये लगाना चाह रही हूँ। मैं शादी वाला नहीं लगाऊंगी, मैं ये मेरा जो पुराना सा था ना, जो मैं पहले लगाती थी, पहले यूज़ करती थी, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, मैं इसी को लगाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं अपने आईज पे आई शैडो अप्लाई करने के लिए जा रही हूँ। मैंगो है उसको देख करके किसे किसे मुंह में पानी आया कमेंट से जरूर बताना, सच बताना। आप लोग मत सोचिएगा पका हुआ, पका खट्टा मैंगो रखा है वहाँ पे, पका नहीं है। तो इनका एक एक में लग गया, तो आई शैडो बोलते हैं इसको ना, दोनों में ही लग गया आई शैडो। आई शैडो बोलते हैं ना, आई शैडो कंप्लीट हो गया। अब मैं लगाऊंगी आई लाइनर। देखो गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। तो फ्रेंड देखिए फाइनली वीडियो के अंदर मैं भी आ चुका हूँ, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, प्रिया को मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, मैं लगा लेकिन वो वीडियो क्लिप ना वो बन नहीं पाई, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मतलब यहाँ पे थोड़ा निकल गया है। गोंद कम लगाया इन्होंने, गोंद फ्रेंड्स कम लगाया, निकल गया है। तो मैं इसको फ्रेंड देखिए इसमें लगा हुआ ही है, लेकिन फिर भी मैं इसको इसी में सेट खराब कर दिया। मेरे उंगल में चिपक रहा है यार, बहुत ही बड़ी दिक्कत हो रही है मेरे उंगल में चिपकने के बाद। तो भाई जैसे मर्जी वैसे भी तो मैंने लगा ही दिया फ्रेंड्स, फाइनली देख सकते हो इसको भी मैंने तो कर, इसको मैंने सेट कर दिया। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए सही से इन्होंने सेट किया कि नहीं किया। अरे मैंने सही सही जगह दिखाओ फ्रेंड्स, थूक के सेट कर दूं क्या, थूक दे दूं मुंह पे सेट हो जाएगा फिर। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए, पर ऐसे ठंडे ठंडा हवा में एक पार्क में आकर के फ्रेंड्स आप लोग से, तो पार्क में कैसे मेकअप करना और कैसे लगाना, आईज ओपन करो, हाँ खोल सकते हो, कैसे करना आप लोग फ्रेंड खुश हो सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी तो प्रिया यहाँ पे अंकिता लोखंडे का, तो फ्रेंड्स अभी प्रिया बन रही है अंकिता लोखंडे, तो देखते हैं अंकिता लोखंडे बनती है उसकी सिस्टर बनती है। तो हम आप लोग हमारे टूट गया और अच्छे से सेट हो गया है, लेकिन फिर भी निकलने का डर है, बहुत पुराना हो गया, इतना ज्यादा यूज जो कर लिया। और फ्रेंड देख करती क्या लगा लेती है, जिसका आँख वाला इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लगा कर उसका फेंक देती है। तो फ्रेंड अब मैं आई लाइनर लगाने जा रही हूँ, आप लोग देखते रहिए कैसे कैसे मैं अंकिता लोखंडे का लुक पे, और कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल लग रहा है। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना, अंकिता लोखंडे बनने जा रही है प्रिया। तो फ्रेंड देखिए आज के लिए इस वीडियो को ना, मतलब बहुत ही मस्त वीडियो होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रेंड देखिए एक पार्क में आकर के आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पार्क में आकर आने के बाद कैसा लुक प्रिया करती है, बस आप लोग फ्रेंड देखते रहिएगा क्या मस्त लग रहा है। देख लो आंख, देख लो आंख पूरा ब्लैक, कीड़ा है पे, कीड़ा कीड़ा है, हाँ झूठ बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स फाइनली हमारा आईलाइनर लग चुका है, आई शैडो भी लग चुका है, पूरा मतलब आईज का मतलब कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी मैंने काजल नहीं लगाया, मैं आप लोगों को काजल लगा के दिखाती हूँ। आईज पूरा मैं कंप्लीट करती हूँ आईज का मेकअप, फिर इसके बाद नेक्स्ट कोई मेकअप करती हूँ जो मैं अपने फेस पर करने वाली हूँ। सोच ये रहा हूँ ये अंबिया देख देख के किसे किसे किसके मुँह में पानी आ रहा है, जरा कमेंट करके जरूर बताना। जैसे तो फ्रेंड लग रहा ना पका हुआ पका हुआ तो नहीं, कच्चा लग रहा, साफ दिख रहा है, कच्चा हरा साफ दिख रहा है वहाँ पे नहीं। और फ्रेंड देखिए मैंने वो वहाँ पे इसलिए रखा है ताकि जो भी सिस्टर हमारी वीडियो देखती है ना, जिसको जिसको अंबिया पसंद है, सबके मुंह में पानी आए देख देख करके, और सबको खाने का अंबिया मन करे, इसलिए मैंने उसको वहाँ रखा है ललचाने के लिए आप लोगों को। ओ भाई आपको मुंह में पानी नहीं आ रहा है, मेरे मुंह भी पानी, मैं भी थूक घोट रहा हूं ना। ये बोलते थे मैं स्कूल टाइम लड़कियों के लिए अंबिया तोड़ के ले जाता था। पूछो इससे सही बात है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, एक मेरा स्कूल का क्लासमेट मेरा फ्रेंड भी खड़ा हुआ है, ठीक है। मैं जो बोल रहा है प्रिया जो बोल रही है ना, बिल्कुल सही बोल रही है, मैं पहले लेकर ना बहुत ज्यादा था, हम लोग तोड़ तोड़ करके अम्बी अच्छा नाम नहीं बोल सकता, नाम बोल देंगे ना लड़कियों का नाम बहुत सारे हैं। एक ही नाम के एक ही लड़की होती है क्या, तो बहुत सारी हो सकते। मेरा आईज एकदम कंप्लीट हो गया, अब मैं नेक्स्ट मेकअप करती हूं। जाएंगे मेकअप रखने का स्टाइल देख लो फ्रेंड्स, फाइनली मेकअप अभी पूरा होने वाला है। अब मुझे तो नहीं पता होने वाला है कि नहीं, अब मुझे सब लग रहा है देख करके नहीं होने वाला है। और कंजूस की वजह से मुझे लिपस्टिक भी नहीं दिला, देखिए मुझे डबल वो करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड देखिए मनी प्रॉब्लम, लेकिन मैंगो देख लीजिए फ्रेंड्स आप लोग, मैंगो सोच रहा है मुझे कौन खाएगा कौन खाएगा, लेकिन कोई बेचारे खाने वाला नहीं है मैंगो को। मैं थी लेकिन मैं खा नहीं, प्रिया थी लेकिन फ्रेंड्स आप लोग कमेंट से बताइएगा प्रिया मैंगो खा सकती है नहीं। तो भाई देख लो इनका लिपस्टिक लगाने का तरीके, इतना लेपती है, इतना पोतती है, कोई हिसाब किताब नहीं। आंखें दिया नहीं, सूख गया है फ्रेंड्स, सूख गया है। हमारी लिपस्टिक लग चुकी है, अब मैं अपने चेहरे को थोड़ा ग्लो कर दूँ पिंक कलर में। तो फ्रेंड देखिए मैं कैसे यूज, और मेरे पास ब्रश था नहीं इसलिए मैं ये बबल्स यूज कर रही हूँ। इतने से कम मेकअप में, इतने से कम
ज्यादा मेकअप नहीं है, बस को मैं शादी में दिलाया था, वो पड़ा हुआ 800 रुपए किट, बस सिर्फ वो दिलाया था। उसके बाद भाई और लड़कियां तो बहुत ज्यादा लगाती है, लेकिन भाई इतने से कम मेकअप में आप लोग बताना फ्रेंड्स कमेंट्स करके कि रेडी कौन हो पाएगा। हो पाएगा। दूसरी बात, मेरा मेकअप बहुत लोगों ने यूज कर लिया है, बहुत लोगों ने यूज किया है, मैं दे देती हूँ, मना नहीं कर पाती ना इसके लिए। तो फ्रेंड्स हमारा हाफ मेकअप हो चुका है, अब मैं बिंदी लगा लूँ, क्योंकि एक मतलब पिछली बार मैंने किया था लुक क्रिएट, तो मैंने बिंदी नहीं लगाई थी ना, इयर रिंग पहनी थी, तो वो सारा कुछ आज मैं पहनने वाली हूँ। तो मैं इयर रिंग ये वाला पहनने वाली हूँ जो हमारी शादी का है। कमेंट्स करके बताइए कैसा लग रहा है ये वाला, कलर भी अच्छा है, साड़ी से मैच भी कर रहा है, बढ़िया प्यारा सा, मैं पहन लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और हेयर स्टाइल अभी बनाऊंगी सेम उनके जैसा, लेकिन उन्होंने गजरा भी लगा रखा था, लेकिन मेरे पास गजरा वजरा है नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं जो आपको फूल दिख रहे हैं ये लाकर दे दूँ इसको गजरा, ये बात तो ही है, ये येलो हो जाएगा, व्हाइट होता है। अच्छा, तो मेरे साड़ी से मैचिंग करेगा ना। तो मैचिंग सही रहेगा, मैचिंग सही रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं अपनी इयर रिंग पहन लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं ब्लैक बिंदी लगाने वाली हूँ आज, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी बिंदी यही थी और सारी बहुत छोटी छोटी है तो दिखेगी नहीं, इसलिए मैं ब्लैक लगा रही हूँ मजबूरी में। आप लोग ये मत कहना कि आपको मना किया था आपने फिर से लगा लिया, लेकिन मैं फिर भी लगा रही हूँ इसके लिए। फ्रेंड देखिए मजबूरी में नहीं, ये जानबूझ के करती है ऐसा, इतना सारा कुछ करती है, लेकिन फ्रेंड्स ये होता नहीं कि मैं एक मतलब रेड कलर का चाहे पिंक ब्लू कोई बिंदी ले लें, लेकिन अभी जस्ट टाइम के लिए, अभी प्रेजेंट टाइम मेरे पास नहीं है। तो फ्रेंड अब मैं अपने हेयर स्टाइल सेम उनके जैसा बना लेती हूँ, और जैसे वो सिंदूर लगाती वैसे मैं लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बैठ गए नीचे, तो फ्रेंड जब देख लो इतना सीधा नहीं दिख रहा है मुझे, तो तुम सेट करो ना, इतना अपनी दीदी केयर कौन कर लेगा। मैं भाई चैलेंज को बोल रहा हूँ, कपल अगर कोई चैलेंज करता है तो मैं उसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर कोई कपल अपनी वाइफ के साथ ऐसे पार्क में आ करके मेकअप कराए, ठीक है, मेकअप कराए और वो वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करे, उसका वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। कोई अच्छा। कपल है जो कोई भी कपल हो चाहे तो कोई भी हो, देखिए मैंने अपना हेयर स्टाइल उनके साथ सेम बना लिया, अब जानू जाके फूल तोड़ के लेके आएंगे जो मैं गजरा लगाऊंगी अपने हेयर में। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल सेम उनके जैसा मैंने लगा लिया। तो भाई देख लो मुझे यहाँ पे साइलेंट कर दिया, साइलेंट रहो, अभी कहीं मैं गजरा भी लगाऊंगी, गजरा गिरा रे बरेली के बाजार में। भाई देखो अब टूट जाएगा, कोई नहीं करता है ऐसा, कुछ ने भी काम नहीं हुआ है अरे काम नहीं अभी। हाँ तो आप जाके पहले गजरा लेके आओ लगाने। तो फ्रेंड्स भाई बीवी ने तो बोल दिया हाँ। जाओ गजरा लेकर के आओ, तो अब बीवी की बात तो माननी पड़ेगी। जैसे तो फ्रेंड्स प्रिया ने बोला तो बात तो मानना ही पड़ेगा भाई। तो देखो मैंने तोड़ लिया है, इतना काफ़ी है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा है, इतने में तो प्रिया खुश हो जाएगी देख करके। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब लेकर के प्रिया को देते हैं, आप लोग बस देखते रहिए भाई, मज़ा तो बहुत आने वाला है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने तोड़ लिया, आप लोगों ने देखा, चलते हैं देते हैं प्रिया को, प्रिया करते हैं हैप्पी। जरा हमारा बन जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया। अरे बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, इसको अपने प्यारे प्यारे दांतों से काट करके इसको छोटा कर देंगे। क्यों फ्रेंड्स आप लोग कहानी से बताइएगा, तो काट दो अपने दांतों। और फ्रेंड बताओ पहली बार ना प्रिया पहली बार गजरा लगाने के लिए सोच रही, पहली बार लगा भी रही है, कभी फ्रेंड्स लगाई नहीं है, पहली बार लगा भी रही है। और अभी हमें बता दूं भाई, देखो ब्लॉग ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस ब्लॉग को फ्रेंड्स आप लोग पूरा देखिएगा, कोई ब्लॉग को मिस मत करिएगा। तो फ्रेंड्स अभी ट्विस्ट आने वाला, अभी तो रेडी तक था, अभी तो रेडी हो रही है, अभी इनका मेकअप था, अब उसके बाद ना हम करने वाले क्या है, आप लोग बस फ्रेंड हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। लगाओ तो कैसे लगाओगे, कैसे लगाऊंगा, झुमका गिरा रे बरेली आ किसी के साथ। तो फ्रेंड्स जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, जल्दी से एक किसी रोज तो नहीं है फूल को ले लीजिए। कैसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं, लगाओ देखिए कैसे लगा, कहाँ पे लगा रहे जानी। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे लगता है ये। लेकिन तो भाई मैं तो सिंग बना दूं, मैं एक लगा दूं, मैं तो सिंग बना दूं, मुझे क्या पता। नहीं जैसे कि जब हम दोनों साथ में आएंगे उस जगह, बस बस काफी है इतना, सही लग रहा है कि नहीं, बस इतना काफी है, सही लग रहा है, एक और लगा लो ना ऐसे। नहीं जानो, अरे एक ऐसे लगा, आप लगा लो ना, मेरा मेकअप खराब कर रहे हैं, देख रहे हो फ्रेंड्स कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो रेडी चुकी है, बता दूं फुल मेकअप मेरा हो चुका है, अब चलते हैं हम जो लुक क्रिएट करेंगे उनके वाला, वो करें आज गाना आज जानू भी गाएंगे। फ्रेंड्स मेरा उम्मीद कम है, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना पड़ेगा, मैं ज्यादा प्रिया का वीडियो शूट कर दूंगा, वो भी अच्छी तरीके से, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही है कैमरा ट्रैपोड हम घर में ही भूल गए, बहुत बड़ा मुश्किल से वीडियो शूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने लोकेशन पे पहुंचने के बाद। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, और हमारा गजरा जरा देख लीजिए आप लोग, जूड़ा मैंने कैसे बनाया है, ये हमारा जुड़ा है। तो फाइनली अब यहाँ से और देख लो भाई, और फ्रेंड देखो आम नहीं छोड़ रही, जिसको इसको खाना तो है नहीं, लेकिन ये बंदा आम नहीं छोड़ रही है, ये पक जाएगा, उसके बाद मैं खाऊंगी। अब चलते हैं, हम आपको लुक उधर दिखाते हैं
कैसे कैसे उन्होंने जो भी डांस किया हो या फिर जो भी लुक किया हो वो दिखाएंगे। तो चलते आसमां में जब तक सितारे रहेंगे, एक दूसरे के सहारे रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्रिया का लुक फाइनली। तो फ्रेंड्स ये है हमारा अंकिता लोखंडे का लुक। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा प्रेगनेंसी टाइम में ये लुक आपको हमारा। और हमें ऐसा लग रहा है कि आज तक की जितनी लुक्स थी उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको ये लुक लगा होगा, क्योंकि बाहर का बैकग्राउंड इतना प्यारा ग्रीन ग्रीन इतना मस्त सा लग रहा होगा। और हाँ, और येलो साड़ी जो उनकी है कि येलो साड़ी है, देखिएगा आप लोग उसमें वो पहन के कुछ ऐसे ऐसे डांस की थी जो कि मुझे नहीं आता है। नहीं आता है तो क्यों आई करने के लिए? नहीं आता है, बस मैं ऐसे सुनते ऐसे घूम सकती हूँ ऐसे बस, और कुछ नहीं। और जान वो हम दोनों इसमें साथ में आना चाहते हैं। तो फ्रेंड देखिए भाई, प्रिया तो पूरा मेकअप मुकअप लगा के भाई रेडी हो रखी है। आपको पता ही है मैं जैसे होता हूँ, मैं वीडियो मोड से आ ही जाता हूँ। स्टार्ट करते हैं जानू के साथ आके, और उसमें थोड़ा सा जो रोमांटिक का कुछ क्लिप्स है वो भी आएगी। तो आप लोग मिस जरूर मत करिएगा, इसको फुल वीडियो वॉच करिएगा। तो जानू अब आप आओ साथ में और इस वीडियो को थोड़ा और भी ट्विस्ट और भी थोड़ा इसमें सितारे लगा देते हैं। फ्रेंड्स प्रिया देखिए कितनी सुंदर लग रही है आज भाई, यहाँ का लुक भी फ्रेंड्स बड़ा मस्त लग रहा है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में फ्रेंड्स बने रहिए और देखते रहिए वीडियो। हम तो नहीं डालेंगे, बस मैं आपको स्टाइल दिखा देती हूँ। लो देख लो प्रिया फ्रेंड्स एक बार फुल लुक देख लो साड़ी में, दिखा दूँ आपको। और हमारे ब्लाउज पे मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि हमारा ब्लाउज ऐसा ही रहता है फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई मैं दब से तो भाई देख लो तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई बताओ क्या, जब प्रिया मुझे पहली बार मिलने आई थी ना, देख लो देख मुझे बोल रही है, मुझे कह रही है उठा उठा, जब उठा लिया तो ये ना पूरा टंटन आ गई, इसके साथ वो क्या गया तो फ्रेंड्स पता गिरा दो कि मेरे बच्चे को चोट लग जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताना वो भाई मेरे शरीर में मतलब कुछ नहीं पता क्या हो गया, पूरा कांप कूप रहे हैं, चक्कर आ रहा भाई, बोरी मुझे उठा कर मैं कहां उठा के इसे दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा मैंने प्रिया को फाइनली उठा भी लिया इतने मेहनत करने के बाद, मतलब ऐसे ही पता नहीं भाई बंदा थर था। मैं दूसरे को कांप रहे मत बता दियो, स्टार्ट है तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से हो गई है हमारा रोमांटिक वाला सीन स्टार्ट, तो बस देखते रहिए आप लोग। अरे भाई दो ही राउंड करने, अरे दो ही राउंड तो करने यार। यहाँ पे देख लो हमारी हो रही है प्री वेडिंग शूट। तो फ्रेंड्स प्री वेडिंग शूट तो नहीं, हम चाह रहे हैं ना कि ऐसे करके घूमने वाला सीन हो, लेकिन हमें करना नहीं, प्रिया करिए ऐसे घुमाना है, मुझे घुमाना ही नहीं आ रहा भाई, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ। बाल भी खुल गए। तो फ्रेंड्स थोड़ा सीख करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड रोल जो भी स्टार्ट हो रहा है, मैं जानू का वेट कर रही हूँ। ये देखिए जानू, वाओ क्या मस्त तरीके से प्रपोज किया वो, और घुमा रहे हैं, घूम भी नहीं पा रही, देखिए बहुत हंसी आ रही, तो बहुत मजा आ रहा है। तो फ्रेंड्स जानू का रोमांस देखा कैसे, इनका रोमांस था, इन्हें कुछ आता नहीं है, मुझे कह रहे जानू बताओ मैं क्या करूँ कैसे करूँ। तो फिर भी बहुत मुश्किल के बाद जो स्टेप था बढ़िया अच्छे से कर तो लिया। तो फ्रेंड आपने हमारी साड़ी वाली लुक देखी थी, अब मैं अपने सूट में अंकिता लोखंडे का लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैं सेकंड, लेकिन फ्रेंड्स सभी को मैं बता दूं सॉरी मैं सुशांत सिंह नहीं बन पाया। जानू सुशांत सिंह नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी बहुत ठीक था। तो हम दोनों की, क्योंकि जानू बहुत कम वीडियो में आता है आप सभी को पता है फ्रेंड। तो चलते हैं हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लुक के साथ अंकिता लोखंडे के। फ्रेंड फाइनली हमने अपना कपड़ा चेंज कर लिया, अब सूट में मैं आपको जो भी लुक क्रिएट करूंगी तो मैं सिर्फ ओनली अपने आई शैडोज चेंज करने वाली, इसमें कुछ नहीं चेंज करने वाली हूँ। तो चेंज करते हैं और दिखाते हैं आपको कौन सा आई शैडो मैं यूज़ करती हूँ और कैसे, और सूट वाला लुक उनका कैसा है। फ्रेंड्स बता दो इस ये वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगा, इतना मेहनत किसी वीडियो में नहीं लगा जितना इस वीडियो में लगा। पहली बात तो जानू का एडिटिंग ही नहीं आ रहा था, सब भूल गया है ना इसलिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इनका स्टार्ट हो चुका है दूसरा मेकअप और देख सकते हो। तो भाई आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए और बस देखते रहिए
होता क्या क्या फ्रेंड मैं बता दूं, ये पहली वीडियो है जो कि इतना टाइम लग रहा है, बस आप लोग ना एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है इस वीडियो के लिए। पहली लड़की है इंडिया में मेरे ख्याल से जो पार्क के अंदर मेकअप कर रही है बैठ करके। चंडीगढ़ यहाँ तो इंसान घर से कपड़े भर के निकलते हैं और बाहर भी मेकअप। तो फ्रेंड देखिए प्रिया का फैमिली, तो फ्रेंड्स ये हमारा सूट वाला लुक है, वही जो पुराना मैं घर में पहनती हूँ। आपको पता ही मैं सारे कपड़े अपने वहाँ छोड़ के आई हूँ, तो इसकी वजह से मैंने यही पहन लिया। और ये चुन्नी दूसरे सूट का जो जानू ने हमें गिफ्ट किया था सूट, इसका है। तो आप बताइए कैसा लग रहा है सूट में, और हेयर स्टाइल मैंने बिल्कुल उनके जैसा मतलब बनाया है, और इयर रिंग मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि वही है। और इतनी ज़्यादा गर्मी और हम लोग सुबह से एकदम पागल हो रखे हैं इसी में, कम से कम 12:30 बजे से ना जानू, तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया, शाम 2-3 तो बजने वाला है, 3 बज गया। हाँ तो फ्रेंड्स आप बताइए ये सूट वाला लुक कैसा लगा, बिल्कुल सेम उनके जैसा। वो ऐसे चुन्नी करके डालती थी ऐसे, और हेयर यहाँ से मोड़ के ऐसे करके बनाती हैं, तो आप लोग देख सकते हो उसमें सीरियल था जो सुशांत सिंह के साथ वो बनाती थी, तो बिल्कुल ऐसा ही वो मतलब जैसे कि जब वो स्टार्टिंग में लड़ आई मीन जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब वो ऐसे करके रहती थी। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स कैसा लग रहा है, आप लोग फुल लुक जाना फुल लुक दिखा दो ये फुल। तो फ्रेंड्स आप प्रिया का आप लोग फुल लुक देख लीजिए, ये है फुल लुक बिचारी का। तो आप हमें ये कमेंट करके बताइए आपको हमारा फर्स्ट लुक कैसा लगा साड़ी वाला अंकिता लोखंडे का, और सेकंड लुक। लेकिन फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगा प्रिया का जो सारा लुक था जो मेरे साथ की जिसमें हम लोग जिसमें मैंने प्रिया को गोद में उठाया था, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। हाँ क्योंकि वो ज़्यादा बेटर था, और वो साड़ी पहने हुए तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स वो साड़ी वाली ज़्यादा अच्छी लगती सूट कम अच्छी लगी। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कैसा लग रहा है, और यहाँ पे ये पर्स हम लोगों ने चॉइस किया तो आप ये भी कमेंट्स करके आपको हमारा यहाँ का बैकग्राउंड कैसा लगा। तो फ्रेंड्स बस आज इतना ही बोलना चाहेंगे आप लोगों से, और इस लुक के बारे में ज़रूर बताइएगा फुल लुक कैसा लगा आपको हमारा सूट वाला और साड़ी वाला दोनों ही। आपने देख ही लिया सारा वीडियो हमारा पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, तो बस आप लोगों को यही बोलूँगी इस वीडियो में सबसे ज़्यादा हमें मेहनत लगी है, सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है, तो यही कहेंगे इस वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा प्यार दीजिएगा। कम से कम जानू कितना व्यू चाहते हो ये फ्रेंड्स, कम से कम इस वीडियो पे मैं कम से कम 4K लाइक। तो फ्रेंड्स इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी सच्ची में हमें, और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा हमें मेहनत लगी, और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, वो भी धूप में खड़े होकर वीडियो शूट करना कितना मुश्किल होता है। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा ज़्यादा हमारी वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के अभी के लिए सभी को इतना ही, और जो चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और हम फिर